Corona epidemic where ordinary people have problems, then the price of petrol and diesel went up and people got into more trouble. This time Congress leader Mohammad Sansid took the BJP government by one hand to increase the price of petrol and diesel. Don't listen to what he said. जैसे सारा देश में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, अब जब आप लोग कांग्रेस जब क्षमता में था 2012-24 मई में रामदेव बाबा ने एक तो बात बोला था कि पेट्रोल का दाम कांग्रेस जमाने में बहुत है, इतना नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ बहुत कुछ बोला था। आप जानते हैं आप कांग्रेस तरफ, तो आज पेट्रोल का दाम, आज अगर कलकत्ता का दाम अगर पकड़ लेते हैं तो 82.05 रुपये है पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम है 75.55 रुपये। क्या बोलिएगा इस बारे में? देखिए, इसके लिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान में, हम लोग कांग्रेस वाले पूरे हिंदुस्तान में हर जगह इसके हम लोग अनुरोध करते हैं और हर जगह हम लोग झंडा लगा के और मोदी का हाय हाय कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप सबके बीच में ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे जब कांग्रेस की हुकूमत थे तो उस टाइम में सारे जितने भी थे रामदेव बाबा, बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता लोग जो थे, ये सब आके माइक में उस टाइम कहा कि डीजल पेट्रोल दाम इतना नहीं होना चाहिए। मैं आप सबको मीडिया का थ्रू ये बताने चाह रहा हूँ कि डीजल पेट्रोल के दाम आज जो आग बढ़ रहे हैं, आग कनिया हो रहे हैं, हर दिन जो रेट बढ़ रहे हैं, इसके बारे कहाँ गए ये रामदेव बाबा? अन्य हजारे कहाँ गए जो दिल्ली मैदान में अनशन में बैठे थे? अन्य हजारे रामलीला मैदान में ये सब कहाँ गए? अच्छा, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और अल्पना खैर जो ये मैंने निर्णय किए थे, जो ये लोग बैलगाड़ी निकाले थे कि अब हम लोग गाड़ी से नहीं चलेंगे, बैलगाड़ी से चलेंगे, क्यों आज के देश में जो पेट्रोल डीजल का दाम जो बढ़ रहे हैं तो आज ये सब बोल रहे नहीं? ना अमिताभ बच्चन आ रहे आवाज़ में, ना अभिषेक आ रहे हैं, ना आपका अल्पना खैर आ रहे हैं, ना अन्ना हजारे आ रहे हैं, ना रामदेव बाबा आ रहे हैं। ये सब बीजेपी आरएसएस का ये लोग एक दलाल चम्मच है। हाँ, और अन्य हजारे जो अनशन में बैठ रहे थे आज वो अनशन कहाँ गए इनका? उनका अनशन कहाँ गए मैं पूछने चाह रहा हूँ। अन्य हजारे आज जो आरएसएस बीजेपी का ये काम कर रहे थे, ये 200 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट था इनका अन्य हजारे का। आज अन्य हजारे तो कई बारी कुछ ही मीडिया में किसी जगह में नहीं आ रहे हैं। उस टाइम में तो अन्य हजारे लग रहा हमारे देश का बाऊजी का काम कर रहे हैं वो, हाँ गांधी जी का काम कर रहे हैं। हाँ, मगर मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, बोलने चाह रहा हूँ, क्योंकि देश के अंदर में आज तलक जिस तरह का मोदी ये कर रहे हैं किसी ने नहीं किया। मुझको लग रहा है कि जगह जगह में अगर आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो चाइना से जितना भी है तो आज हिंदुस्तान को हेल्प कर रहा है। क्या हेल्प कर रहा है कि इमदाद दे रहा है। आप देखिए, आप टिप टॉप जितना है 2100 करोड़ रुपया दिया है। हाँ, आज जितने भी है सब ये दे रहे हैं। आज चाइना ढुके जा रहा है हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर में, मगर आज सिर्फ मोदी बोले नहीं नहीं, हमारा 20 जवान को मार दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, हाँ, आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? देश को कहाँ ले जा रहे हैं? आज हम लोग कांग्रेस का टाइम में हम लोग ने एक इतिहास कायम किया, हमारे इंदिरा जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ा किया, एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान बना दिया। मोदी जी, आप कहते हैं कि कांग्रेस क्या किया 70 साल में? कांग्रेस जिसने काम किया आज तक हिंदुस्तान के अंदर में, कांग्रेस छोड़ के कोई भी माई का लाल नहीं है जो देश को चला लेगा। और आज सब जितने भी हैं आरएसएस बीजेपी के दलाल है, ये सब तो आप लोग फंसे हुए हैं हर एक केस में। जिस दिन आपका सरकार ख़त्म हुआ उस दिन आप सभी को, जितने को भी है बीजेपी आरएसएस वाला, सभी को सजा होना और फांसी होना है। या आप जो बोल रहे हो, जो आप लोग ये पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ रहा है, इसके लिए आप लोग रास्ते रास्ते में मोदी जी का कुछ पेट्रोल जला रहे हैं, रैली कर रहे हैं, इससे क्या कमेगा, सरकार क्या सुनेगा आपको क्या? देखिए, हम लोग का
जो काम है, जैसे हर स्टेट में, माने बाहर का मुल्क में, जैसे बांग्लादेश में 7 रुपया 8 रुपया कम हुआ, पाकिस्तान में 7 रुपया 8 रुपया कम हुआ, चाइना में 12 रुपया कम हुआ, तो हिंदुस्तान में बढ़ रहा क्यों? हिंदुस्तान में बढ़ना नहीं चाहिए? हिंदुस्तान में बढ़ रहा क्यों रेट? इसके बारे में हम लोग अगर आए दास्ते में नहीं उतरेंगे तो इन लोग का मनमानी काम होते रहेगा। अगर इसके जवाब नहीं देंगे तो ये आर रेट पर रेट बढ़ाते जाएंगे, जनता को आर मारेंगे लोग। आज जनता को मारने में कहीं कमी नहीं रखे लोग। कभी हिंदू मुसलमान बोलकर मारा जा रहा है, कभी 370 बोलकर मारा जा रहा है, हाँ, कभी आप NRC बोलकर मारा जा रहा है, हाँ। मैं आप सबको ये आम पब्लिक के बीच में एक देने चाहता हूँ SMS कि आप इस देश को बचा लीजिए। आप मोदी एक क्या है, मैं आपको एक जुड़वा बता दे रहा हूँ। मैं एक दो बार नहीं, मैं 1.5 साल से बोल रहा हूँ, मोदी चाइना का एजेंट है और इस देश को तोड़ेगा वो। ये हिंदू मुसलमान बोल के ये देश को तोड़ेगा और ये चाइना का एजेंट है, इस देश को तोड़ने आया है। ये देश को जोड़ने नहीं आया मोदी, ये देश को तोड़ने आया। ये आज हिंदू मुसलमान का फसाद लगा रहे हैं, हिंदू मुसलमान बोल रहे हैं। आज हम लोग हिंदुस्तान में, हम लोग को कोई माने आपका आर पाकिस्तान नहीं बनाना है, ना कोई बांग्लादेश बनाना है, ना मिनी पाकिस्तान ना मिनी बांग्लादेश बनाना है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान में रहने चाहते हैं और हिंदुस्तानी के झंडे के अंदर में, हिंदू के नक्शे के अंदर में, हिंदुस्तान के जो नक्शा है हमारा बहुत सुंदर नक्शा है, इस नक्शा के अंदर में रहने हम लोग चाह रहे हैं। ये RSS BJP और फिर ये देश को बंटवारा करने चाह रहे हैं। लेकिन आपका बात अगर पकड़ लेते हैं, जो 70 साल कांग्रेस को काम किया है, आप नहीं हर कांग्रेस का आदमी पर देश का आदमी बहुत बोलेगा, लेकिन एक तो बात है, अगर कांग्रेस को नॉर्मल पब्लिक अगर चाहता था तो लास्ट लोकसभा में आप देखिए कि सीट तो ऐसे ही नहीं था, उसके बाद भी कम, और बंगाल में जो अध्यक्ष थे तो 6-7 तो था, अभी 2 में आके पकड़िए। तो क्यों, मतलब पब्लिक क्यों नहीं चाह रही? नहीं देखिए, आप जो बोल रहे ना दादा, पब्लिक क्यों नहीं चाह रहा है, इसके अंदर एक कारण है। कारण क्या है? मोदी ने दिखा दिया है हम हिंदू राज बनाएंगे, तो हिंदू भाई का जितना वोट एक तरफ हो जा रहा है, मुसलमान भाई का वोट एक तरफ हो जा रहा है, ये हिंदू राज बोल के वोट लिया जा रहा है। आज आप बोल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर में जब से BJP सरकार आई है कौन ऐसा अच्छा काम किया है जिसका बारे हम लोग आज उसके बारे जवाब दूँ? कौन ऐसा अच्छा काम किया हमको बता दीजिए। आप मीडिया वालों को मैं पूछना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर में अगर कोई BJP अच्छा काम किया है तो उसका एक भी हमको फोटो, एक भी न्यूज़, एक भी कोई चैनल में अच्छा काम किया है तो दिखा दीजिए हमको आप। और आपको ये तो मालूम होने चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान को 2002 का दंगा याद करने चाहिए। नरेंद्र मोदी वहाँ का CM थे गुजरात का, वहाँ इतना मुसलमानों का काटा गया, वो किसके सरकार थे? BJP के सरकार थे। आज UP में मारा जा रहा मुसलमानों को, वो किसके सरकार है? वो BJP के सरकार है। मैं आपको क्लियर बोलना चाह रहा हूँ, ये लोग देश को टुकड़ा करने आए हैं, ये लोग देश के लिए काम नहीं करने आए हैं। अगर देश के लिए काम कर रहे हैं तो देश का काम किस जगह में हो रहा है कि आप हमको बता दीजिए। लेकिन कांग्रेस का तो बहुत लास्ट अगर इलेक्शन में स्टेट देखिएगा तो मध्य प्रदेश में बहुत से कांग्रेस का MLA चला गया, तो हिंदू वोट के लिए ऐसा करेगा? नहीं, तो आप लोगों का कांग्रेस का क्यों MLA? नहीं नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, सुनिए, जो जा रहे हैं कांग्रेस से BJP में, वो बाप की औलाद नहीं है, वो चमार की औलाद है, क्योंकि पैसा के लिए भाग रहे हैं। कांग्रेस के अंदर में जो भी रह रहे हैं, कायदा कानून बन के रहना है, कायदा कानून बनकर काम करना है, अब उसको पैसा का आमदनी का रास्ता नहीं मिल रहा है। और RSS BJP वाले उनको कहाँ 500 करोड़ 100 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो आज के डेट में एक लंगा को कपड़ा मिल रहा है पहनने के लिए, एक भूखा को खाना मिल रहा है। ये वो लंगा है जिसके पूरे खानदान, जब लंगा पैदा हुआ था कपड़ा ही नहीं पहना, जिसके पूरे खानदान जब पैदा हुआ था तो लंगा ही था कपड़ा नहीं पहना, आज वो सोचे BJP में जाके हम कपड़ा पहन लेंगे। तो ये लोग जो आए हैं, ये लोग पैसे के लालच में जा रहे हैं कांग्रेस छोड़ के। आज कांग्रेस के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में, मैं आपको एक चैलेंज करके कह रहा हूँ, ये जात पात के जो वोट बोल रहे हैं,
एक जात पात की जो वोट कर रहे हैं, क्या आप पहले बताइए हमारे सोनिया जी राहुल जी हाँ ये कौन है? ये क्या मुसलमान है? ये मुसलमान है? ममता जी क्या मुसलमान है? क्यों ऐसा भाषा बोलने का कारण क्या है? देश को ये लोग सिर्फ एक तो सपना दिखाया है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, राम मंदिर बनाऊँगा, 370 लगा दिया, ये लगा दिया, ये सब जितना भी किया, ये देश को हिंदू राज बनाऊँगा, ये आप मीडिया सब जान रहे हैं। हिंदू राज बनता है कैसे? जिस देश में पूरा मुसलमान अगर ना हो तभी हिंदू राज बनेगा। अगर हिंदू राजा बनाइएगा तो मुसलमान को कौन सा शेड दीजिएगा? हम तो बांग्लादेश में पैदा नहीं हुए हैं, हम तो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए हैं, हम तो हिंदुस्तान के धरती पर पैदा हुए हैं। हमको इस देश से भगाने वाले तुम कौन होते? तुम्हारा बाप का देश है क्या बीजेपी? आर एस एस तुम्हारा बाप का देश है क्या कि तुम हमको भगाओगे? तुम कौन होते हो भगाने वाले? आज जो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, ये जा रहे नहीं, इनके बाप के ठीक नहीं है, ये वो जा रहे हैं। जिनके बाप के ठीक रहते तो पक्का कांग्रेसी हाँ गांधी जी का नक्शा कदम में चलते हैं। आज ये गांधी जी का नक्शा कदम में नहीं चल रहे हैं, ये लोग आए हैं सिर्फ पैसा बटोरने के लिए। अब मैं आज बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के जितने भी कांग्रेसी है ये सब जान दे रही हैं, ईमान नहीं बेचेंगे। और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को अगर सही कोई बचाएगा, अगर सही कोई राज करेगा हिंदुस्तान को बचाएगा, उसी पे कांग्रेस। आज आप देख लीजिए इतना मजदूर फंसे हुए थे, सरकार किसके थे? मोदी के। उनको चाहिए ट्रेन चालू कर देने था, बस का सुविधा देने था, उसने दिया। हमारा सोनिया गांधी ने 150 करोड़ रुपया दे के वहाँ से अमाम को हर स्टेट में भेजा गया। कि किसने भेजा? कांग्रेस के हमारे हाई कमांड, जिसको हम लोग सलाम करते हैं। ये किसने किया? ये किसका काम था? ये मोदी जी का काम था। मोदी जी आज जगह जगह में देश के लिए, देशवासियों के लिए, मैं देश जो मैंने आपका हवाई चप्पल पहन के हैं मैं उसको फ्लैट में उठाऊँगा, ये कौन सा बड़ी बात है? मोदी जी आप जो आम पब्लिक को रास्ता पैदल चल रहे हैं, जिसको पाँव में छाला फोला पड़ जा रहे हैं, आज उसको ट्रेन में नहीं बैठा रहे हैं और फ्लाइट में बैठाइएगा आप? मोदी जी बस बहुत हो गया है। अब मैं सारे हिंदुस्तान को, जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि देश को बचा लीजिए, इस देश को टुकड़ा मत होने दीजिए। आर ई देश कोई मिनी पाकिस्तान, मिनी बांग्लादेश नहीं होगा, क्योंकि इस देश के अंदर में आज हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो हम लोग रह रहे हैं, ये बहुत बड़े एक स्टेट का एक मान है, अभिशान है हम लोग का। और इस देश के अंदर में इस जो भाषा बोला जा रहा है, इस भाषा को ख़त्म कीजिए और इस भाषा को छीन कीजिए। और इस देश के अंदर में हम आप जितने भी रह रहे हैं, आज ये आरएसएस बीजेपी आप गौर करके देख लीजिए, जगह जगह में हिंदू मुसलमान का फसाद, दंगा, ये सब हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? मैं बताने चाह रहा हूँ आम जनता को, डीजल पेट्रोल का दे जो दाम बढ़ रही है पूरे स्टेट के अंदर में, महाकार हो रही है, लॉकडाउन के टाइम में इस जगह हो रही है, पूरे हिंदुस्तान मैंने आज भूख के लिए मर रहे हैं। आज सरकार कुछ इसका भी सुविधा नहीं दिया है, ना गरीब को कोई फंड दिया है, ना गरीब को बेरोजगारी का कोई नौकरी दिया है, ना 15 लाख रुपए अकाउंट में आया है। मैं आप सब जनता को बताने चाह रहा हूँ और कहने चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये मोदी दिखावा है, करनी कुछ नहीं है, सिर्फ इन लोगों का भरनी है। इन लोगों का भरा गया है, इतना पैसा भरा गया है कि इन लोग आर देश के लिए कुछ करना नहीं है। देश के लिए वही करेंगे जो देश के लिए शहीद हुए हैं, हमारे इंदिरा जी, गांधी जी, राजू गांधी जी, ये सब देश के लिए शहीद हुए हैं। इन लोग को देश के लिए मारे दीजिएगा, ये देश के लिए काम किए हैं, ये देश के जनता को देखने चाहिए, देश के आवाम को ये सोचने चाहिए कि देश के लिए कौन कुर्बानी दिया है। हमको बता दीजिए आरएसएस से बीजेपी का कोई भी वित्तीय किसी कारण
बम भरा या कोई में या गोली मार दी गया ऐसा हुआ है नहीं हुआ, ये जितना भी हुआ कांड हुआ है ये सब जितना भी हुआ कराया गया है ये बीजेपी आरएसएस। यहाँ दिलीप घोष बोलता है कि हम लोग पश्चिम बंगाल में आएंगे तो चुन चुन के मुसलमान को मारेंगे। बीजेपी आरएसएस और दिलीप घोष, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ कि आप बंद कमरा में बोल रहे हैं, अगर यही बात अगर मिची लगा के या कहीं मंच लगा कर कहोगे तो तुम इस धरती में रहोगे कि नहीं रहोगे ये ऊपर वाला जानता है, भगवान जानता है। हाँ, क्योंकि ये हिंदुस्तान के बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ये गुजरात नहीं है, ये यूपी नहीं है जो यहाँ का मुसलमान मार खा जाएंगे। यहाँ का मुसलमान जब चाहेंगे बंगाल से बीजेपी को नामो निशान ख़त्म कर देंगे। मैं आपको एक लाइन जो दे रहा हूँ कि आरएसएस बीजेपी हिंदुस्तान के अंदर में कि पश्चिम बंगाल को आप ये ना समझो कि तुम्हारा हिंदुस्तान का पश्चिम बंगाल से पूरा नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन हम लोग चाह लेंगे तो पांव से जो सर को ना उछल देंगे। ये पश्चिम बंगाल का मुसलमान है दिलीप घोष, तुम बता रहे हैं, कोई भाषा बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोल रहे हैं। हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या पार्टी है, दरकार पड़ेंगे तो देश के लिए और कौम के लिए जान दे देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। बोले थे।